पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कहाँ गया? कहाँ गए हीरा? पता नहीं सरकार। तो ये तेरा काला जादू है फकीर? अब तो चोरी भी करने लगा है। मेरा हीरा मुझे वापस दे दे। आपका होता तो मेरे पास आता ही नहीं कुलकर्णी सरकार। क्यों बनता? ये हीरा कुलकर्णी सरकार का है या किसी और को मिला था? बंता जी, कर सच बोल दिया तो शायद आपको हीरा वापस मिल जाए। फिर आप चिंतित क्यों हो रहे हैं कुलकर्णी सरकार? जो कमाया ना हो उसका लोभ नहीं करना चाहिए। ए फकीर, बंद कर अपना प्रवचन। पाखंडी कहीं का, इस गांव का मुखिया हूं मैं। शिरडी में गिरी हुई हर चीज पर मेरा अधिकार है, वो मेरी संपत्ति है। वो हीरा मैं तुझे कभी रखने नहीं दूंगा। डटे तो। जी सरकार। वो हीरा छीन लो उससे। जी सरकार। ए, क्या कर रहे हो? या सरकार, ऐसा लग रहा जैसे हमारे पास लोहे के हो गए, आगे बढ़ी नहीं जाए। क्या एक कोशिश करो, आगे तो बढ़ो। कुलकर्णी सरकार, ये हीरा आपका नहीं है, इसलिए आपको नहीं दे सकता। किसी जरूरी काम की वजह से पंता की जिंदगी में आया था और वो काम हो गया है, इसलिए इसे वापस ले जा रहा हूं। राम जी भला करें। फकीर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। लाखों का हीरा चोरी किया इसने। ए पंता, वो हीरा कहां से मिला तुम्हें? हाँ, किसने दिया तुम्हें? बताओ, वो फकीर क्या बोल रहा था? कहीं उसके साथ तुम मिल तो नहीं गए? हाँ, नहीं नहीं सरकार, वो फकीर तो मेरी पत्नी को अपने वश में करना चाहता है, जैसे छोटे सरकार को किया है। वो वैसे ही चाल चल रहा है सरकार। जब उससे संभल कर रहना, और वैसे भी तुम लोगों को ना बहुत ढील दे रखी है मैंने। बाम चोर बन गए हो तुम दोनों। मेरे साथ चलो, पूरी रात खेत की रखवाली करनी है आज। चलो। बात तो तय है कि वो फकीर ने हीरा सुधा को दिखाने के लिए ही रखा था, लेकिन क्यों भाई, सच में कोई साजिश तो नहीं रच रहा हो? फिर सुधा को भी मेरे झूठों पर शक होने लगा है, और मैंने सुधा से कहा था कि मैं उसे घर के कागज दिखा दूंगा। हीरा नहीं बेच पाए, पैसे नहीं ला पाए, अब मैं उसे क्या कहूँगा? सरकार, पैर नहीं छू रहे, पैर की जांच कर रहे।
इस हीरे का उद्देश्य पूरा हो गया था। आप तो चमत्कार करते हैं ना साई, आप एक चमत्कार करके मेरी जिंदगी बदल नहीं सकते साई। मैंने सपने देखे थे सुखी परिवार के, एक नेक पति के जो मुझसे कभी झूठा बोले, मुझसे अपना अपना सब सुख दुख बांटे। और मुझे ऐसे लगा कि मैंने इनमें वो सब कुछ पा लिया है, लेकिन साई वो सब तो एक चला हुआ निकला। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि या तो वो अतीत में जीता है या भविष्य में, और वर्तमान की उपेक्षा कर बैठता है। वो ये समझता ही नहीं है कि वर्तमान में कितनी शक्ति है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अभी इस क्षण जो सोचोगी वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा, तो क्या फिर भी तुम ऐसा ही सोचोगी कि जो तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति बदल के ऐसे इंसान बन जाए जिसकी मैंने कल्पना की थी। मुझसे झूठ बोलना बंद कर दे, सारे सारे गलत काम छोड़ दे और एक नेक इंसान बन जाए। लेकिन ये होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, है ना साई? साई तुम चमत्कार की बात कर रही थी ना बेटी। चमत्कार क्या है? जिसे सब असंभव समझे वो संभव हो जाए। ये चमत्कार तो तुम्हारे ही हाथों में है। कैसे साई? मुझ पे तो कोई शक्ति नहीं है। किसने कहा? अच्छा वो छोड़ो, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम बहुत झूठ बोला करती थी? सुधा को पाठशाला से लेकर मंदिर चलेंगे। देखना, अभी पाठशाला में सुधा को लेने जाएंगे ना तो आने के लिए मना करेगी, आनाकानी करेगी। पढ़ाई का बहुत शौक है उसे। जानती हूँ क्या कह रही थी? कह रही थी पाठशाला में हर अध्यापक की चहेती है वो, और कह रही थी हर बच्चा उसके जैसा बनना चाहता है। तो मुझे पूरा यकीन है एक दिन सुधा हमारा नाम रोशन करेगी। और जोर से। सुधा, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तू पाठशाला गई थी ना? काका ये तो रोज यहाँ खेलने आती है, पाठशाला नहीं जाती। ये कहती है कि इसे पाठशाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी बाबा मुझे माफ कर दीजिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।